लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नांदेड़ ज़िला केरोसिन फरोख्त एसोसिएशन की जानिब से आज शहर के गुलशन फंक्शन हॉल में एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से पिछले 7-8 महीनों से केरोसिन बंद किए जाने के सबब हॉकर्स और केरोसिन फरोख्त करने वाले अफराद को भूखे मरने की नौबत पेश आ रही है। इस ज़िमन में नांदेड़ ज़िला केरोसिन फरोख्त कुंदागान एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान में बालाजी वेंकट राव, नायब सदर नवाज खान, सादत खान सेक्रेटरी, दियो सरकार वामन दत्त राव नायब सेक्रेटरी, महबूब बेग के अलावा नांदेड़ केरोसिन एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने कई दफ़ा ज़िला कलेक्टर, ज़िला सप्लाई ऑफिसर और तहसीलदार से नुमाइंदगी की और केरोसिन को फौरन शुरू किए जाने का मुतालबा किया, लेकिन इंतज़ामिया ने केरोसिन फरोख्त करने वाले अफराद के मुतालबे को सरे से नज़रअंदाज किया। इस मामले में इस एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से मुखातिब होकर अपने मुतालबात को कुछ यूँ बयान किया। हमारे नांदेड़ ज़िले के अंदर 1460 परवानदारक किरकोल है और उनके ऊपर 8-9 महीने से रॉकेल बंद होने से उनके कुटुंब के ऊपर उपवास मार की पारी आ गई है। अपन शासन को इसके पहले हमने जो भी हमारा पत्रव्यवहार करा उसका हमार को अभी तक निर्णय शासन ने नहीं दिया, इसलिए ये बैठक बुलाना हमार को ज़रूरी थी, इसलिए हमने आज ये बैठक वो हिसाब से रखे वाली है और पूरे लोगों ने हमार को यहाँ आके मीटिंग में साथ दिए वाला है, वो लोगों का भी धन्यवाद मानता हूँ। हम आगे चल के सभासद नोंदनी करने वाले हैं, लोकल जिला अधिकारी साहब को एक निवेदन देने वाले हैं वो कुटुंब के उपासमार के बारे में, और दूसरा तहसीलदार साहब को एक देने वाले हैं और जिला परिवहन अधिकारी साहब को देने वाले हैं। इसके आगे हम टाइम मिला तो मुख्यमंत्री अन्ना नागरिक पुरवठा मंत्री को भी निवेदन देंगे और हमारी जो भी समस्या है कुटुंब की सबके शासन के सामने रख के हमार को न्याय मिलना जरूरी है, इसलिए ऐसे शासन को हम विनती करेंगे। शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व राकेल व राकेल हॉकर्स व परवानाधारक यांची आज बैठक घेण्यात आली। परवानाधारकांचा जे मेन विषय आहे की आज 7-8 महिन्यापासून केरोसिन कोटा बंद करण्यात आलेला आहे, त्यांची उपासमार होत आहे। आम्ही सर्व परवानाधारक मागील 40-45 वर्षापासून शासनाच्या अधीन राहून राकेल वाटपाचे कार्य केलोत, पण शासनाने नवीन नवीन नियमामध्ये दुरुस्ती करून आमचा राकेल कोटा बंद केलेला आहे आणि प्रत्येकी कुटुंबास त्यांनी सिलेंडर वाटप केलेले आहेत, त्यामुळे राखेलचे गिराईक हे सर्व काही कमी झालेले आहेत। 7-8 महिन्यापासून आमची रोजी बंद झाल्यामुळे आमच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे, परिणामी आम्ही आज एक वर्षापासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत की आम्हाला एकतर मानधन मिळावं आमच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता, नाही तर चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला पेन्शन मिळावं। शासन कर्मचाऱ्याला मुदतीमध्ये रिटायर करून त्यांना वेळेवर पेन्शन लागू करते, पण आम्ही आज 40-45 वर्षापासून सेवा करूनसुद्धा आमच्या बाबतीमध्ये एक बिलकुल एक विषय त्यांनी केलेला विचार केलेला नाही, परिणामी आम्हा सर्व परवानाधारकांची उपासमार होत आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ एकूण 1500 परवानाधारक आहोत, 1500 कुटुंब आज बेरोजगार झालेलो आहोत। ही शासनाने त्वरित आमची विनंती विचारात घेऊन आमच्या बाबतीमध्ये चांगला निर्णय घेऊन आम्हाला त्वरित मानधन किंवा पेन्शन लागू करून सर्व कुटुंबाला उपकृत करावं, ही आमची शासनाकडे विनंती आहे।